पावन शिवरात्रि की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सावन शिवरात्रि की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्रावण मास की शिवरात्रि कथा सुनाएंगे और इस कथा के माध्यम से ये बताने की चेष्टा करेंगे कि भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाने की प्रथा कब से शुरू हुई। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ को गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र व दूध चढ़ाने का भी प्रचलन है। इसकी पौराणिक कथा भी हम आपको सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो मात्र लोटा भर गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपार कृपा करते हैं। तो आइए भक्तों, सुनते हैं श्रावण शिवरात्रि की ये परम कल्याणकारी एवं पावन कथा। कहते हैं जब जब लगता है भक्तों सावन मास, भोलेनाथ और माँ गौरा धरती पर करे निवास। भोलेनाथ को प्रिय होता है ये महीना सावन, सृष्टि का भी भोलेनाथ ही करते हैं संचालन। क्योंकि योग निद्रा में होते इस समय विष्णु जी, पालन करता बन कर रहते फिर तो भोले जी। भोलेनाथ जब रक्षक हो तो है किस बात कटे, अर्पण कर दो बस एक गंगा जल का लोटा भर। तभी तो सावन में कांवड़िए कांवड़ लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि देव शयनी एकादशी के दिन विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और इस सृष्टि का संचालन भोलेनाथ करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए तो कहते हैं कि मात्र लोटा भर गंगा जल अर्पित करने से ही भक्तों पर अपार कृपा दृष्टि रखते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाने की प्रथा सदियों पुरानी है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। एक बार ऋषि दुर्वासा जब स्वर्ग में आए हैं, पारिजात पुष्पों की माला साथ मिलाए हैं। और इंद्र से कहने लगे मेरी ओर से है उपहार, इंद्र देव को ना जाने क्यों हो गया है अहंकार। पारिजात पुष्पों की माला को तो ले लिया है, किंतु ऐरावत के गले में उसे डाल दिया है। ऐरावत ने माला को लिया सूंड में अपने लपेट, और ऋषि दुर्वासा के सामने उसे दिया है भेंट। ऋषि दुर्वासा इतना देख क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है।
क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, ऋषि दुर्वासा ने जब अपने उपहार की ऐसी दुर्दशा देखी तो उन्हें इंद्रदेव पर बड़ा ही क्रोध आया और कहने लगे, हे इंद्रदेव, तुम्हें अपने स्वर्ग सिंहासन पर अत्यधिक गर्व हो गया। मेरा श्राप है कि तुम्हारा स्वर्ग ऐश्वर्यहीन हो जाएगा और तुम्हारा स्वर्ग सिंहासन भी छिन जाएगा। श्राप ऋषि दुर्वासा का तो सच ही हो गया है, राजा बलि ने इंद्रदेव से स्वर्ग छीन लिया है। इंद्रदेव सब देव सहित फिर विष्णु शरण में आए और बोले के स्वर्ग हमारा वापस हमें दिलाए। ऋषि श्राप के कारण स्वर्ग भी हो गया है सिंहहीन, दैत्य हुए बलशाली हमारी शक्ति हो गई छीन। विष्णु जी उनसे बोले के ये है भूल तुम्हारी, ऋषि दुर्वासा तो है स्वयं शिव शंकर के अवतारी। फिर भी स्वर्ग पाने का उपाय तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बताया कि हे देवराज, ये सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मिलकर सागर मंथन करवाना होगा और सागर मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएंगी और दैत्यों को परास्त करके स्वर्ग फिर से प्राप्त कर सकोगे। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने सागर मंथन के लिए दैत्यों को मना लिया और सागर मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया गया, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं कुर्म अवतार लिया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। सागर मंथन के समय देवों ने वासुकी को पूंछ की ओर से एवं दैत्यों ने मुख की ओर से पकड़ा था, तब सागर मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन जब दैत्यों और देवों ने किया है, कालकूट नामक विष सबसे पहले निकला है। कालकूट विष का प्रभाव तो ऐसा घातक है जिससे सारी सृष्टि पर ही आया संकट है। तीन लोक जिसकी गर्मी से लगे झुलसने हैं, छोड़ के सागर मंथन को सब लगे भागने हैं। इंद्रदेव भी सोच रहे अब जाने होगा क्या, स्वर्ग प्राप्त ना हो जो सागर मंथन नहीं हुआ। विष्णु जी की शरण में फिर से वो चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, सर्वप्रथम सागर मंथन से कालकूट नामक विष निकला जो इतना घातक था कि इसकी गर्मी ना देवताओं से सहन हो रही थी ना ही दैत्यों से। सभी सागर मंथन को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। अब देवराज इंद्र ने सोचा, यदि सागर मंथन नहीं हुआ तो ना ही हमें अमृत प्राप्त होगा ना ही हमें स्वर्ग सिंहासन मिलेगा।
तो देवराज इंद्र एक बार फिर से विष्णु जी की शरण में आए। विष्णु जी कहने लगे, हे देवराज, कालकूट विष का कोई उपाय मेरे पास भी नहीं, अतः हमें देवों के देव महादेव की शरण में जाना होगा। भोलेनाथ की शरण में फिर तो सभी देवता आए, कहने लगे भोले संकट से हमको आप बचाए। कालकूट विष से संकट में सारी सृष्टि है, जिसको धारण करने की बस आप में शक्ति है। भोलेनाथ से सब देवों ने करी जो करुण पुकार, कालकूट विष लेकर इन्होंने लिया है कंठ उतार। माँ गौरा की शक्ति ने जिसे कंठ में रोक दिया, भोलेनाथ का लेकिन इससे नीला कंठ हुआ। नीलकंठ महादेव तभी तो ये कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, कालकूट विष को भोलेनाथ ने धारण कर लिया और माता गौरा ने उसे अपनी शक्ति से कंठ में ही रोक दिया, किंतु कालकूट विष इतना घातक था कि भोलेनाथ का कंठ ही नीला पड़ गया और भोलेनाथ बड़े ही व्याकुल हो उठे। सभी देवता बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने कालकूट विष की अग्नि को शांत करने के लिए गंगा जी का शीतल जल भगवान भोलेनाथ के शीश पर डाला। प्रिय भक्तों, ये सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का दिन था, इसी कारण भोलेनाथ को जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। जल से शांत पर कालकूट कहाँ होने वाला था, व्याकुल भोलेनाथ को उसने फिर भी कर डाला था। विष्णु जी ने सागर से फिर क्षीर मंगाया है, शीतल क्षीर वो भोलेनाथ को स्वयं पिलाया है। क्षीर के कारण विष की ज्वाला कुछ है शांत हुई, फिर इसके पश्चात तो भोले व्याकुल हुए नहीं। प्रथा ये दूध चढ़ाने की भी शुरू हुई तब से, महादेव इन्हें कहते हैं ये सहनशील है सबसे। जल और दूध चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, इस कथा में हमने यहाँ तक बताने का प्रयास किया कि भगवान भोलेनाथ को गंगा जल या दूध चढ़ाने के पीछे क्या पौराणिक कथा है। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ बेल पत्र चढ़ाने से भी भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए भक्तों, सुनते हैं इसकी भी पौराणिक और कल्याणकारी कथा। चित्रभानु नामक एक भक्तों भील शिकारी था, एक दिन करने शिकार रात को वन में चला गया। बेलपत्र के एक वृक्ष पर वो तो चढ़ गया है, देखा नहीं उसके नीचे शिवलिंग भी बना हुआ है। बहुत देर तक नजर उसे न शिकार कोई आया, बेचैनी में बेलपत्रों को नीचे उसने गिराया। और संयोग से उस दिन भी सावन शिवरात्रि थी,
अनजाने में भोलेनाथ की उसने पूजा की। दर्शन देने भोलेनाथ उसे स्वयं आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, चित्र भानु नामक शिकारी से भोलेनाथ मात्र इतने में ही प्रसन्न हो गए कि उसने शिवरात्रि के प्रहर में अनजाने में ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिए थे। प्रिय भक्तों, जब एक शिकारी से जो कि पशुओं को मार मार कर खाता था, भोलेनाथ अनजाने में चढ़ाए बेलपत्रों के कारण प्रसन्न हो सकते हैं, तो श्रद्धा भाव से बेलपत्र अर्पित करने वाले पर कैसी कृपा करेंगे, ये तो आप जानते ही होंगे। बेलपत्र चढ़ाने का एक और पौराणिक कारण है। बेलपत्र अपने त्रिकोणीय आकार के साथ भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भगवान शिव के अस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। कहते हैं भगवान शिव को जल के साथ या दूध के साथ बेलपत्र अर्पित करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अनजाने में एक भील ने बेलपत्र किए अर्पण, भोलेनाथ ने खुश होकर उसको भी दे दिए दर्शन। श्रद्धा भाव से सोचो अगर तुम इन्हें चढ़ाओगे, मन वांछित वरदान क्यों ना भोले से पाओगे। जो सावन में कांवड़ लेकर गंगा जल करे अर्पण, सफल हो समझो भक्तों फिर तो मानो का जीवन। डीएस पाल ने महत्व कांवड़ का तो बतलाया है, श्रद्धा भाव से शिवरात्रि की कथा को गाया है। फौजी सुरेश पे भोलेनाथ कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव I'm not afraid to die।
चतुर्भुज दस भुज अति सोहे।
चख भोग लगावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी शिव।